हेलो गाइस, दिस इज रिदम अग्रवाल फ्रॉम मैमसी। मेरे साथ आज है सार्थक भट्ट। हम लोग दोनों इंस्टाग्राम पेज को आपने फ्लड कर दिया मैसेजेस की, आपके कमेंट्स क्या है पोस्टपोन करने का, हमें हमें सपोर्ट कीजिए पोस्टपोन करने के लिए। तो आज मैंने भट्ट को अपने आप बुला लिया कि इसके व्यूज क्या है, देखते हैं पोस्टपोन के बारे में। स्टार्ट कर। सो गाइस, जैसे आपने हमारे सारे मतलब अपने कई मैसेजेस किए, ये सब हमें की पूछते हुए कि हमारे व्यूज क्या है, तो जहां तक मैं मानता हूं कि इस वक्त मतलब कई स्टेट्स में बहुत ही बुरी सिचुएशन है। जैसे कि अगर आप बिहार देखें या आसाम देखें, वहां पे फ्लड्स हैं और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज सही नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ मतलब जैसे पेशेंट्स होंगे, कुछ एस्थमेटिक पेशेंट्स होंगे या कुछ होंगे, कोई लोग स्पेक्टेकल्स पहनते होंगे, तो इन सबको भी एग्जाम को फुल एफिशिएंसी से अटेम्प्ट करने में दिक्कत हो रही है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स होंगे जो कुछ कोविड से इन्फेक्टेड होंगे या जिन्हें फीवर या कफ होगा, इन्हें भी मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम बैठने नहीं दिया जाएगा। तो इन सब डिफिकल्टीज के, इन सब इश्यूज के बीच ऑब्वियसली ये फिजिबल हमें लगता है कि हाँ, एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया जाए। बट ये मैं अपना मतलब ये रखना चाहूंगा आपके सामने कि ऑलरेडी मई से पोस्टपोन हो चुका था जुलाई में, और फिर जुलाई के बाद अब सितंबर हो चुका है। पहले भी जब पोस्टपोन हुए थे तो यही सोच के पोस्टपोन किया गया था कि शायद दो महीने बाद सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगा या शायद अब आगे जाकर इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन अब हम ऐसे सिचुएशन में आ गए कि क्या हम एक पक्के तौर पर कह सकते हैं कि एक महीने बाद या दो महीने बाद सिचुएशन इंप्रूव होगा, या एक जो भी वैक्सीन भी बनी है उसकी भी बहुत ज्यादा मतलब लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स नहीं रहे हैं जहां तक जो भी अब तक बने हुए हैं या फिर आगे भी बनेंगे, तो हम उसके बारे में गारंटी नहीं दे सकते कि हाँ भाई वैक्सीन है तो मतलब एकदम एक बंदे को अगर इम्यूनाइज कर दिया तो वो काफी टाइम तक इम्यूनाइज रहेगा, यहाँ तक कि रिकरेंट इन्फेक्शन भी हो रहे हैं, तो हम वैक्सीन की भी इफेक्टिविटी की बात नहीं कर सकते। तो जब ऐसे सिचुएशन चल रहे हैं तो पोस्टपोन करने से क्या होगा कि आप बस मतलब उसे टालते रह जाओगे। मतलब दिक्कत ये होगी ना कि सपोज कर लो एग्जाम को आप पोस्टपोन करते करते इस साल करा ही नहीं पाए। अब कितने केसेस आ रहे, 71,000 के करीब कुछ केसेस आ रहे हैं शायद, 75,000। तो हम ये सोच रहे हैं कि पीक आ चुका है, पर क्या हम सही में कह सकते हैं कि पीक आ चुका है? कौन गारंटी देगा कि मतलब अगले दो महीने में केसेस पर डे और नहीं बढ़ने वाले? तो अगर दो महीने बाद चलो हमने पोस्टपोन कर दिया दिसंबर तक, जैन तक, तो हो सकता है कि तब और केसेस बढ़ जाए और फिर से हम इस कंडीशन में नहीं रहेंगे कि हम एग्जाम अटेम्प्ट कर पाए। तो अगर ऐसे होते होते एग्जाम अगर अगले साल तक पोस्टपोन हो गया, फॉर एग्जाम्पल जैन तक गया, फिर मार्च, तो एक पॉसिबिलिटी ये हो जाएगी कि नीट एग्जाम ही कैंसिल कर दो, 2020 वाली नीट ही मत लो और सीधा 2021 में लो। अब वैसे नॉर्मली सोचने में तो बड़ा मतलब आसान लग रहा है, सही है यार, क्या ही दिक्कत है, एक ही तो साल है, क्या ही हो रहा है हमारा, अगले साल दे देंगे, हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट आप इस बात को समझिए कि अगले साल अगर आप इस साल के बैच वाले स्टूडेंट्स अगर अगले साल नीट देंगे तो 2021 बैच की भी तो 12 के स्टूडेंट्स होंगे, कुछ होंगे जो मतलब उसी साल पेपर देने वाले हैं। तो अब आप सोचिए कि इस साल करीब करीब 15 से 16 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, तो अगले साल के बैच के भी कुछ होंगे 10-12 लाख या कुछ 15 लाख के करीब बच्चे हो जाएंगे। तो अगर ये नीट इस साल नहीं कंडक्ट हो पाया तो आप ये सोचिए कि अगले साल के नीट में कितने बच्चे बैठेंगे, 30 लाख, और सीट्स तो उतने ही है। तो अगर फिक्स नंबर ऑफ सीट्स पे डबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि कंपटीशन तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और इसमें काफी डिजर्विंग स्टूडेंट्स का नुकसान भी हो जाएगा। और व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, क्या हम सही में ये चीज अफोर्ड कर सकते हैं कि इतने एक्सट्रीम कॉम्पिटिशन के बीच एग्जाम देना इज नॉट अ फिजिबल सोल्यूशन? क्योंकि मैं मानता हूँ कि मतलब हेल्थ सबके आगे आता है, और अगर हम कर पाते तो शायद हमें पोस्टपोन करना ही चाहिए, पर जब हमारे पास कोई भी एक डेफिनेटिव सॉल्यूशन नहीं है इसका कि मतलब आगे जाकर सिचुएशन अगर इम्प्रूव होने वाला या नहीं, इसके बारे में हमें सही से नहीं पता, तो मेरे हिसाब से हमें उस बारे में बहुत ज्यादा ना सोचकर हमारे स्टडीज पे फोकस करना चाहिए। और मतलब जस्ट लाइक यू हैव टू गो विद द फ्लो, आई अग्री कि जो बिहार और आसाम में जो सिचुएशन है यहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी से लेकर ट्रांसपोर्टेशन से लेकर हर चीज की दिक्कत है बच्चों को। तो जैसे मैं पर्सनली चाहूंगा कि जैसे पिछले साल ओरिस्सा के लिए एक नया पेपर कंडक्ट किया गया था, इसी तरह से गवर्नमेंट कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो निकालेगा। मतलब एज फार एज आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट कि इस बारे में कुछ थॉट दिया जाएगा कि
बिहार और आसाम के स्टूडेंट्स के लिए क्या किया जाए, बट इसके अलावा मेरे हिसाब से बाकी स्टूडेंट्स को अभी एग्जाम दे देनी चाहिए। और आई अग्री कि मतलब काफी लोग आप कहोगे कि मतलब मुझे क्या दिक्कत है, मैं तो घर पे बैठा हुआ हूँ आराम से, मुझे कहने में क्या जाना है। लेकिन गाइस आपको खुद सोचना चाहिए कि अगर एग्जाम पोस्टपोन करते करते अगर अगले साल का मतलब मई आ गया, अगर पोस्टपोन करते करते इसी तरह, तो इतनी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। आधे बच्चों को, डिजर्विंग बच्चों को सीट्स नहीं मिलेंगे, आपको बार बार रिपीट करना पड़ सकता है, रिपीट अटेम्प्ट्स देने पड़ सकते हैं। साथ ही साथ में ये सोचिए कि मेडिकल कॉलेजेस में अगर आपके दो बैचेस मर्ज हो गए तो एक साल मेडिकल कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल में इंटर्न्स नहीं रहेंगे, और बिना इंटर्न्स के हॉस्पिटल चलाने में भी काफी दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट को डिसीजन लेना पड़ रहा है। कोई भी ये चाहता नहीं है कि मतलब हम हमारे हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करके एग्जाम दे, पर जब कोई फिजिबल सोल्यूशन हमारे सामने अब नहीं नजर आ रहा है, तो एज फार एज आई थिंक अगर मैं खुद इस वक्त एग्जाम दे रहा होता तो मैं तो यही चाहता कि जल्द से जल्द एग्जाम हो जाए, मैं अप्रोप्रिएट प्रिकॉशंस लेकर अपने मतलब सैनिटाइजेशन वगैरह सही से अपने अपना ख्याल रखकर मास्क पहनकर मैं खुद जाके एग्जाम अटेम्प्ट करता। तो यार ये सब चीज जो इसने बोली टोटली करेक्ट है, इसके इसके लिए कोई मतलब दो राय है ही नहीं जो इसने बोली, ठीक है। लेकिन ये सब चीज भी मतलब बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है, ये जो टॉपिक है ना नीट जेईई पोस्टपोन, ये एक प्रॉपर डिबेट वाला टॉपिक है। तो इसके लिए मैं अपने व्यूज क्या बोलना चाहूंगा, जैसे इसने बोला कि अगर हम मतलब नेक्स्ट ईयर अगर बच्चे चले गए 30 लाख हो जाएंगे, वो सब सही है, ठीक है, जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स है उसको नहीं मिलेगा। लेकिन अभी जो बच्चे जो अभी पॉजिटिव है वो डिजर्विंग नहीं है, वो भी एक क्वेश्चन अराइज कर जाते हैं श्योरली, नहीं वो भी अगर जो अभी पॉजिटिव बिल्कुल जो इस वक्त पॉजिटिव है उनके लिए तो यार सही में ये बहुत बड़ी दिक्कत है। लेकिन है ना ये तो मतलब मैं बिल्कुल ही मानता हूँ कि काफी अभी भी नुकसान होने वाला है स्टूडेंट्स का, बट लाइक अब ऐसी कंडीशन आ चुकी है कि हो सकता है हमें लाइक वी हैव टू चूज द लेसर ऑफ द टू इविल्स की मतलब किसमें शायद कम। ये बहुत ही बुरी बात है कि मतलब इस तरह के डिसीजन हमें लेने पड़ रहे हैं जिसमें दोनों तरफ से हमें नुकसान होने वाली बातें हो रही हैं। लेकिन यार वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो सिचुएशन है वो गवर्नमेंट पे जो डिसीजन मेकर्स हैं उन पे एक बहुत ही ज्यादा मतलब स्ट्रेसफुल सिचुएशन है कि मतलब चाहे वो कुछ करे उन्हें गाली देने वाले तो होंगे। अब सपोज कर लो कि पोस्टपोन कर दिया जाए और फिर पोस्टपोन किया और फिर 2 महीने बाद और केसेस बढ़ गए, फिर बोलेंगे यार तुमने तो तभी पोस्टपोन किया था, अब तो और वापस कर दो, अब तो और ज्यादा हो गए। करते करते अगर अगला साल हो गया तो आई एम श्योर कि तब भी बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर देंगे कि आप कैसे दो बैचेस को मर्ज करके एग्जाम ले रहे हो। नहीं पोस्टपोन और प्रोटेस्ट करने वाले हर जगह रहेंगे, लेकिन अगर मैं देखूं सब जगह जो तुम बोल रहे हो सब जगह यही चीज बोली जा रही है, देखो ये कोई नई चीज नहीं है जो हम लोग सुन रहे हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि हम लोग इसका एडवाइजरी क्या है, मतलब व्हाट कैन गवर्नमेंट डू इन दिस केस, ठीक है, तो एक एडवाइजरी मेरी तरफ से जो मैं बहुत सारे सीनियर्स मैम्सी के से बात किया था उन्होंने क्या बोला कि टेक दिस ईयर एज अ जीरो एकेडमिक ईयर। जीरो एकेडमिक ईयर का मतलब ये होता है कि जैसे यूएस में है जो स्टूडेंट पिछले साल मतलब जो मार्च में हमारा कोविड क्राइसिस स्टार्ट हुआ फर्स्ट ईयर में था वो फर्स्ट ईयर में रहेगा, जो स्टूडेंट क्लास 11 में था क्लास 11 में रहेगा, जो स्टूडेंट क्लास 12 में था क्लास 12 में रहेगा। तो मतलब नीट 2020 में जो 16 लाख स्टूडेंट अभी देना चाहते हैं वो लोग जब कोविड क्राइसिस ठीक हो जाए वो लोग एग्जैक्टली मार्च में या फिर अप्रैल में अपने एग्जाम दे दें और 12th में, बिकॉज हम लोग भी घर में बैठ के कोई अच्छे से पढ़ाई करी नहीं है। देख हम लोग जब प्रैक्टिकल्स कर रहे थे हमारे प्रैक्टिकल्स अच्छे से हुए नहीं है, थ्योरी भी हम लोग कितना सो जाग के कर रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस कोई ढंग से हुए नहीं है, तो बेसिकली हमारी भी पढ़ाई नील ही हुई है। और अगर तुम बोलोगे कि बाकी बैचेस को मतलब जैसे जो डीयू के नॉन मेडिकल बैचेस है इंजीनियरिंग और बाकी नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज है उनको प्रमोट कर दिए, तो उनको प्रमोट करने का क्या फायदा अगर तुम एग्जाम ही नहीं ले रहे हो, एक बच्चे की कैपेबिलिटी टेस्ट नहीं कर रहे हो तो तुम उसको कैसे प्रमोट कर रहे हो सेकंड ईयर में। तो ये तो पूरा इस फाइनल ईयर वालों तक को बिल्कुल ही ओपन बुक टेस्ट लेकर प्रमोट कर दिया गया है, जो कि मतलब मेरे हिसाब से सही नहीं है। तुम्हारे दिमाग में टोटली थप्पा लग जाएगा कि तुम कोविड डिग्री वाले इंसान जो फाइनल ईयर वाला बच्चा अगर ये तो बिल्कुल ही मतलब कि बस ऐसे ही जॉब खोजने में बहुत टाइम लग जाएगा, कोई भी ट्रस्ट ही नहीं करेगा उसके रिजल्ट्स को इस बार यार। लेकिन देखो अब है ना मतलब वो काफी लेट हो गया कि ये वाला जो डिसीजन तुम बता रहे हो कि एक जीरो एकेडमिक ईयर कंसिडर करने वाला,
वैसे तो मतलब काफी सही और फिजिबल सा लग रहा है, लेकिन यार अब है ना काफी डिले हो गया कि मतलब इतने हम आगे आ चुके हैं, लाइक वी आर पास द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, अब कि मतलब वो डिसीजन लेना था तो काफी पहले लेना था कि मतलब अभी जो डिसीजन ले रहे हैं यार, लेकिन एक साल से ज्यादा तो एक लाइफ मैटर करती है ना, वो कंट्रोवर्सी तो हमेशा रहेगी एक साल से। देख अगर तू कोई बच्चा है, देख प्रैक्टिकली इंडिया में हम लोग स्टैटिस्टिक्स देखे तो हम लोग कोई भी एडोलेसेंट बच्चा जो मतलब नॉर्मल बच्चा है जिसको एस्थमा की प्रॉब्लम नहीं है वो एसिम्प्टोमेटिक रह रहा है। हम लोग में से कोई भी मरा नहीं है अभी तक इंडिया में, तो बहुत कम केसेस मरे हैं, ठीक है। तो मतलब हम लोग प्रैक्टिकली एसिम्प्टोमेटिक, लेकिन हम लोग घर जाके अपने बिल्कुल बिल्कुल कर देंगे वो उनके घर में ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, कोई पेरेंट्स और मेरा सिलेक्शन भी हो गया, मैंने नीट दिया, मेरा सिलेक्शन भी हो गया और मैं मतलब खुशी खुशी एग्जाम्स दे रहा हूँ, मतलब सिलेक्शन हो गया, मेरे घर में कोई मतलब ना चाहते हुए बीमार होके मतलब वो गुजर गए। तो तुम जिंदगी भर उसी रिग्रेट में रहोगे कि मैंने क्या कॉस्ट में नीट दिया, मेरी डिग्री क्या कॉस्ट में, मैंने मेरी डिग्री उसके लाइफ के कॉस्ट में है। तो वो भी तो बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज है ना, तुम रिस्क ही नहीं ले सकते हो यार जिंदगी। इतनी सारी कंट्रोवर्शियल चीजें यार कि जैसे अभी जो मुझे भी कुछ लोगों के मैसेज आए कि मतलब कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ इस वक्त, तो मैं क्या करूँ, मैं कैसे एग्जाम दे सकता हूँ या मैं कैसे एग्जाम दे सकती हूँ, तो ये भी बहुत ही दिक्कत वाली सिचुएशन हो चुकी है कि मतलब अगर कोई बंदा साल भर पढ़ा है, दो साल थ्रू आउट पढ़ा है और अब लास्ट मिनट में उसे अगर कोविड हो गया है तो वो बंदा क्या करेगा अब कैसे, मतलब उसके लिए तो कोई रास्ता ही नहीं बचा कि मतलब क्या कंपेंसेट करोगे आप, कैसे करोगे उसकी, उसको अकोमोडेट कैसे करने वाले हो, तो ऐसी बहुत सारी इश्यूज हैं। तो मैंने ये सब चीजें देखते हुए ना मैंने क्या किया कि मैंने देखा कि कंट्री इंडिया जैसी कंट्री में जैसे मेडिकल कॉलेजेस है, वैसे दूसरी कंट्रीज में भी कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा। यूएस में एमकैट होता है, यूके में बीक्लैट होता है, तो वो सब चीज को हम लोग अपने नीट से कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज एवरी 2-3 मंथ्स में एमकैट होता है। लेकिन वी कैन सी कि यूएस क्या स्टेप्स ले रहे हैं। तो यूएस के पास अभी कोई हिम्मत ही नहीं हो रही कि वो लोग एग्जाम्स कंडक्ट करें, वो लोग तो पहले स्कूल ओपन करके रिग्रेट करें, 95,000 केसेस इन 15 डेज आ गए थे उनके पास पॉजिटिव, तो वो लोग स्कूल तो ओपन करने के बाद बहुत ज्यादा रिग्रेट कर ही रहे, तो वो लोग एग्जाम्स तो ले ही नहीं सकते एग्जैक्टली राइट, तो वो लोग एमकैट को भी पोस्टपोन करे जा रहे हैं और उन लोगों ने एमकैट को भी ऑप्शनल कर दिया। तो एक और ऑप्शन ये हो सकता है नीट को भी ऑप्शनल कर दिया और उसको फेज टू में फिर से कंडक्ट कर ले बाद में जब सिचुएशन इम्प्रूव हो, क्योंकि सिचुएशन जब तक इम्प्रूव नहीं होगी तब तक कॉलेजेस तो खुलेंगे ही नहीं, हमारे कॉलेजेस खुलेंगे नहीं जब तक हम लोग सेकंड ईयर में नहीं जाएंगे, तब तक बच्चे फर्स्ट ईयर में कैसे आएंगे, कोई भी मेडिकल कॉलेज कोई उसको साथ में तो हैंडल कर ही नहीं सकता है। जिन बच्चों को ये भी सही रहेगा कि मतलब अगर दो फेजेस में नीट लिया जाए कि अब जो दे सकता है वो अभी दे और दूसरा एक फेज लेकर, जैसे मतलब जैसे जेई के भी दो एग्जाम हुए थे, एक एग्जाम तो हो चुका है इन लोग का और अब सेकेंड एग्जाम हो रहा है ना अभी जो हो रहा है, तो इस तरह से नीट को भी दो फेजेस में शायद हो सकता है ले सकते हैं कि मतलब अभी कुछ लोग दे दें, कोई लोग थोड़ा बाद में दे दें और फिर जो बेस्ट स्कोर है उसे कंसिडर कर लिया जाए। मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन जीरो एकेडमिक ईयर है जो इंडियन गवर्नमेंट ने पहले ही हटा चुका है, लेकिन मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ कि मेरे को अपना साल वापस चाहिए फर्स्ट ईयर। मैं नहीं बोल रहा कि मेरा घर में बैठ के मेरी अच्छे से पढ़ाई हुई है, मैं नहीं बोलूंगा जब तक मैं कैडेवर को अच्छे से नहीं देखूंगा मेरे को एनाटमी याद होगी। तो मतलब कुछ भी ऐसे नहीं बोल सकते कि हम लोग कॉलेज बिना जाए पढ़े हैं, तो कैसे बोल सकते कि नीट के मतलब जो एस्पिरेंट्स है वो घर बैठ के पढ़े हैं। तो इनके लिए मतलब मैं फर्स्ट मेरा सजेशन यही रहेगा कि जीरो एकेडमिक ईयर अगर वो भी पॉसिबल नहीं है एटलीस्ट दो फेजेस में तो कर दो। राइट। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो ये चाहूंगा कि मतलब अगले साल एक साथ दो बैचेस कंबाइन करके नीट देने वाली नौबत ना आए, चाहे कुछ हो जाए। बिल्कुल, दो बैचेस कंबाइन देने का तो नौबत आने के बाद तो मतलब मर ही जाएंगे बच्चे यार, ऐसे ही क्या बोलते बिल्कुल ही मतलब बहुत बुरी हालत हो जाएगी बच्चों की। 15 लाख में तुम लोग 10,000-30,000 को मैक्सिमम सीट मिलती है, मतलब अगर तुम जनरल कैटेगरी को कंसीडर करो तो तुम लोग अगर उसमें भी वो सेंस नहीं बनता, लेकिन तुम लोग अभी भी तो एग्जाम लेना सेंस नहीं बनता, एटलीस्ट तुम लोग बाद में अगर करोगे तो शायद कोई प्रिवेंटिव अच्छा मेजर आ जाए, शायद हमारी टेक्नोलॉजी एवरीडे इतनी एडवांस होते जा रही है, इतने ज्यादा मतलब एटलीस्ट मीडियोकर से लेट सिम्टम्स मतलब लीस्ट से मीडियोकर सिम्टम्स तक के ड्रग्स तो आ गए हैं मार्केट में, कौन जाने बाद में भी आ जाए, तो बाद के लिए बेटर है राइट, सो दैट बाद में किसी को नहीं पता केसेस कितने आ जाएंगे। लेकिन ये भी तो नहीं वो बोल सकते ना कि अभी बेटर है, अभी भी वही सीन रहेगा जो बाद में रहेगा। राइट, वही तो अभी भी वही सीन है जो बाद में रहेगा। लाइक इट्स अ रियली डिबेटेबल इशू कि हम भले ही अभी भी ले रहे हैं तब भी दिक्कतें आएंगी और बाद में लेंगे तब भी दिक्कतें आएंगी, पर हम जब पोस्टपोन करते जाएंगे तो बिल्कुल ही इस बात की गारंटी नहीं रह जाएगी कि मतलब कब होगा एग्जाम,
और जो मतलब सोचो कि मुझे बहुत सारे पॉजिटिव मैसेजेस भी आए कि नहीं नीट होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ाई खत्म करके बैठ चुके हैं अपनी, और अब पूरी तरह से एंजाइटी में आ चुके हैं कि भाई कब होगा, एक बार एग्जाम हो जाए बस, किसी तरह हम वो हो जाए कि निकल जाए एक बार एग्जाम। तो मैं खुद जैसे अगर अभी होता तो मतलब हम जैसे अगर हम अभी इस साल एग्जाम दे रहे होते तो मैं ये समझता हूँ कि हम भी इस वक्त काफी हद तक बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके होते कि मतलब यार क्या एग्जाम नहीं हो रहा, कोई कोई एक डेफिनेटिव डिसीजन नहीं आ रहा जिसमें सारे सब लोग ऑल इंक्लूसिव एक अच्छा डिसीजन आ जाए गवर्नमेंट से। इसलिए पर यार ये बहुत ही मतलब गवर्नमेंट के लिए भी आई अग्री कि बहुत मुश्किल डिसीजन है गवर्नमेंट के लेने लिए के लिए। टोटली बहुत मुश्किल डिसीजन है, लेकिन हमारे लिए भी, मतलब मैं बोल रहा हूँ अभी जो जो बच्चे अभी प्रिपेयर कर रहे हैं वो लोग प्रिपेयर तो करते रहे, राइट। अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, अब राइट 10-15 दिन बचे हैं, वो लोग प्रिपेयर करते रहे, 10 मुश्किल से 10 दिन बचे हैं, हम 13 दिन बचे हैं टोटल, बिल्कुल तो बिल्कुल वो लोग प्रिपेयर करते रहे। और वो लोग अभी मतलब ये ना सोचे कि पोस्टपोन हो या नहीं हो, अब तुम्हारा पीक आ चुका है, तुम लोग अब पढ़ पढ़ के इतना पढ़ चुके हो, अगर तुम्हारा पोस्टपोन होगा तो तुम लोग 1 महीना रेस्ट ही ले लेना अगर तुम्हारा पोस्टपोन हो गया। कि मेरे को पता है अगर मैं एक बार पीक आ चुका है उसके बाद मैं वापस से नहीं, मतलब एक बार मैं अपने आप को मेंटली यार प्रिपेयर, वो बहुत दिक्कत हो जाती है कि मतलब फिर दिमाग में ये आ जाता है कि अगर मैं अब रेस्ट कर लिया तो हो सकता है बाद में भूल जाऊंगा, तो ये दिमाग एक थॉट दिमाग में आता होता है। और फिर आप पढ़ भी नहीं पाते हो क्योंकि आप अब आपकी पीक एफिशिएंसी नहीं रही कि मतलब आप एग्जाम मतलब बार बार जब आ जाता है ना कि हाँ अपडेट आ गया तो एकदम से मैं उस हिसाब से पढ़ रहा हूँ, फिर आगे पता चला नहीं हो रहा, फिर अगला डेट आया, तो इसमें भी काफी एफिशिएंसी में दिक्कत आ जाती है बस। लेकिन बच्चों की। एक बात तो तो ये ना कि सबको फेयर चांस मिलना चाहिए। बहुत बच्चे ये बोल रहे हैं, जो बच्चे अभी बिल्कुल ट्विटर और यूट्यूब में टाइम वेस्ट कर रहे हैं उनको मतलब सिलेक्शन का मौका ही नहीं है, वो लोग पढ़ने के अलावा यूट्यूब और ट्विटर यूज कर रहे हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मतलब उनको एक फेयर ट्रायल नहीं मिलना चाहिए। वो तो बच्चा ये बोल दिया कि मेरा नीट में सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि COVID-19 था, वो बोलने का बिल्कुल मौका तो नहीं मिलना चाहिए ना किसी को। एक मेडिकल, अब कोई मैं कोई 2020 का बैच जहां जो होगा तक वो तो हाँ ये नहीं हाँ बोल पाएगा कि सामने वाला मेरे को बोल रहा है यार मेरा भी नीट में सिलेक्शन हो जाता लेकिन COVID-19 था इसलिए मेरे को जाने ही नहीं दिया घर वाला, हाँ ये तो बोलने वाला मौका नहीं आना जैसे चाहिए, हाँ राइट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पर इसलिए जहां तक मुझे लगता है अब आप यही समझ कर चलिए कि फिलहाल एग्जाम होने वाला है, तो आप सारी नेगेटिविटीज को जहां जितना हो सके अपने हिसाब से थोड़ा बहुत दूर करके आप अपने पढ़ाई पे पूरी तरह से आप फोकस कीजिए। चलो हो सकता है पोस्टपोन हो भी जाए तब भी आपके लिए अच्छा हो, और अगर ना भी हो पाए तब भी आप अपने मतलब अपना कम से कम आप बेस्ट दे के आने की पूरी कोशिश करो। जहां तक मुझे लगता है हर स्टूडेंट को इसे एक पॉजिटिव वे में लेने की कोशिश करनी चाहिए। माना कि बहुत मुश्किल है करना, लेकिन और गाइस अपने से जितना हो सके उतना आप कोशिश करें कि मैं कम से कम अब इस वक्त ज्यादा आलतू फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट ना करके यूट्यूब और जो भी ट्विटर है इस पे बहुत ज्यादा आप अपने आप को इन्वॉल्व ना करके आप अपने एग्जाम के मूड में अच्छे से आ जाओ और उसमें इन्वॉल्व होकर काम देखो करो। गाइज मेरा मतलब यही था कि जैसे तो बाकी सारे जो भी यूट्यूब चैनल सब लोग बोल रहे हैं कि हैशटैग पोस्टपोन जी वो करो, ट्विटर में ये करो वो करो, मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता क्योंकि अभी तुम्हारा टाइम नहीं है। तुम लोगों को जितना पोस्टपोन करने के लिए जो भी करना था तुम लोग अपना रोल प्ले कर चुके हो। देखो तुम लोगों को अगर ट्विटर में वो करना था हैशटैग, तुम लोगों ने उसको इस इश्यू को इतना पॉलिटिसाइज कर चुके हो कि गवर्नमेंट तक ये बात तुम्हारी पहुंच चुकी है। अब गवर्नमेंट का डिसीजन है, अब उनको पता है कि तुम्हारा मेजोरिटी वॉन्ट्स दैट, मेजोरिटी का ये, अब गवर्नमेंट को जो करना करो, लेकिन अब तुम अपना टाइम वेस्ट फोन वगैरह में मत करो, ये बोलना चाह रहे हैं हम। और अभी से मॉक बिल्कुल टेस्ट देने लग जाओ यार, अगर अभी से नहीं दे रहे हो मास्क पहन के मॉक टेस्ट दो कि तुम्हें आदत पड़ जाए, मास्क पहन के दो, एक मास्क खरीद के ले बिल्कुल आओ अपने मास्क। आप को आप ऐसे सिचुएशंस में हैबिटाइज करने की कोशिश करो जो एग्जाम सिचुएशन में बिल्कुल जैसे होगा उसी तरह से आप कोशिश करो कि आप एग्जाम अटेम्प्ट कर पाओ, अपनी एफिशिएंसी को उसी तरह से बढ़ाने की कोशिश करो कि भले कैसे एग्जामों में अपनी फुल एफिशिएंसी से परफॉर्म करने तीन की घंटे कोशिश में करो। तुम लोग अब ऐसा हालत कर दो कि 3 घंटे तुम 2 नंबर में पंखा चला के बैठ के वो करोगे, एसी चला के नहीं दोगे मॉक टेस्ट, बिल्कुल बिल्कुल भी एसी चला के नहीं देना। 2 घंटे में मतलब 3 घंटे तुम 2 नंबर पंखा में चला के मास्क पहन के तुम लोगों को पेपर मैं तो देना है। बिल्कुल मतलब अपने पूरे नीट के पूरे साल मैंने डिसाइड किया था कि पूरे साल अब मैं एसी नहीं चलाऊंगा, और जितने मैंने पेपर दिए हैं सेंटर पे जाकर स्पेशली मैंने भी लास्ट के 4 या 5 महीने में मैंने सेंटर में अपने बाहर जिस बैठ जिस के रूम दिए, में बैठा हूँ उसमें पंखा तक नहीं चलाया कि मतलब पंखा भी नहीं चलाना, मैं गर्मी में पसीने से पूरा गीला होकर पेपर दूंगा ताकि एग्जैक्टली मुझे मैं खुद आदत भी पड़ जाए। दिल्ली में जब मैं दिल्ली में था तो दिल्ली में टेम्परेचर्स थे 43-44 हो पहुंच चुके थे मई 5 को, मेरे को याद है मई 3 तारीख को मैंने 42 डिग्री सेल्सियस में बैठ के 3 घंटे पेपर दिया बिना पंखा चलाए। तो ये देना बिल्कुल इम्पोर्टेंट है क्योंकि तुमको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है, हमारी एडवाइसरी यही है। और
गाइज मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, तुम्हारा टाइम वेस्ट और नहीं करूंगा। इस वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर करना यार, जितने भी तुम्हारे दोस्त है उनको भी मैसेज पहुंचना चाहिए। मैं बाकी बाकी लोगों की तरह तुम्हें ये नहीं बोलूंगा कि तुम लोग ये हैशटैग वो करो, ये हैशटैग वो करो, क्योंकि तुमको जो पार्ट करना था तुम लोग कर चुके हो। अब तुम लोग उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, अब तुम लोग जो भी करोगे वो अपने लिए करोगे, तो अपने लिए करना जो काम करना है। ठीक है, ठीक है गाइज, थैंक यू फॉर द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट टिल नाउ, अगर तुम अभी तक देख रहे हो तो। और अगर हेल्पफुल लगे तो कमेंट भी कर देना और शेयर और लाइक जरूर कर देना यार, बहुत अच्छा लगता है।